नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यू करेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर से से कैसे विस्कोसिटी डिपेंडेंट है फ्लूइड का। अगर हम लिक्विड ले लें तो मैंने आपको पहले बताता था कि विस्कोसिटी जो है वो दो चीज़ों की वजह से डेवलप होती है, दो भी फ्लूड के अंदर, वो है एक तो पहला मोमेंटम और दूसरा था क्या था उसका दूसरा था कोहेशन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इन फ्लूड के केस में, लिक्विड के केस में कि क्या डोमिनेटिंग चीजें होती हैं, कोहेशन और एयर के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम। तो जैसे ही हम टेम्परेचर क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाते हैं तो क्या कोहेशन जो होता है ना डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से इसकी क्या विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। और यहाँ पे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोमेंटम बढ़ता है और विस्कोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर था विस्कोसिटी को कराने का वो क्या था, मॉलिकुलर मोमेंटम, यहाँ पे कोहेशन था। यही वजह है कि यहाँ पे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया कोहेसिव फोर्स है डिक्रीज किया और विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये बस इतना ही बात था इसमें। उसके बाद आगे आते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड किसको बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूड्स आर दोज फ्लूड्स जो कि जिसमें शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है न्यूटोनियन, जहां पे शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेन ऑफ वेलोसिटी। और नॉन न्यूटोनियन जो इसको फॉलो नहीं करे, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होना चाहिए। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन क्या होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो नॉन न्यूटोनियन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के अंदर कुछ टाइप हैं, हम उनको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि एक ग्राफ है, ये यहाँ पे शियर स्ट्रेस, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो है ना ये पोर्शन, ये जो एरिया है इसको एल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अभी अभी आपने देखा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या था कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई। तो शियर स्ट्रेस इसी के ग्राफ जो बनाया गया, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में ही बनाया गया है। ये एल्ड स्ट्रेस क्या है, एल्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस है कि यहां तक पॉइंट पे, इस पॉइंट तक जो फ्लूइड का जो एक्सपेंशन होगा वो बिहेवियर जो होगा वो प्लास्टिक होगा। कैसा होगा, प्लास्टिक होगा, और इसके ऊपर कैसे हो जाएगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, ये होता है आइडियल सॉलिड और ये है आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड कह लो। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करती है। आइडियल फ्लूइड में क्या हो, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स जीरो प्लस
इनकम्प्रेसिबल तो एसिड फ्लूड एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में, ठीक है, इसे तो पढ़ना है कि एसिड फ्लूड नहीं होती है। और वहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा आइडियल के केस में। इसको कहते हैं थिक्सोट्रॉफिक, ये है आइडियल प्लास्टिक, ये है रियोप्लास्टिक, ये है स्यूडो स्यूडो प्लास्टिक। इसको कहते हैं न्यूटोनियन न्यूटोनियन फ्लूड, और ये होगा डाइलैटेंट। याद करने का तरीका, टी से तेरा, तेरा पेन ड्राइव, ठीक है, और ये लीनियर है। आइडियल प्लास्टिक और न्यूटोनियन को आप लीनियर दिखाओगे, तेरा पेन ड्राइव ऐसे याद करना, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक, न्यूटोनियन, लीनियर, यहां पे से आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक को बिंघम भी बोलते हैं, बिंघम बिंघम प्लास्टिक फ्लूड भी बोलते हैं। मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे तो न्यूटोनियन का पता ना, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीयू बाय डीवाई, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और आइडियल प्लास्टिक के केस में जैसे शियर स्ट्रेस जब लो करेंगे ना, शियर स्ट्रेस कम करेंगे यहां पे, तो ये सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही शियर स्ट्रेस बढ़ा देंगे ये फ्लूड जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ऐसे आप ना बहुत सारे ग्राफ देखेंगे, लेकिन ये ना सबसे अच्छा ग्राफ है, जिससे काफी क्वेश्चन लाई भी करता है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कोई दूसरे बोर्ड, मतलब बोर्ड नहीं कह सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है ना, वहां पे भी आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं थिक्सो से। पहले थिक्सो लिखा था, थिक्सोट्रॉपिक, प्रिंटर इंक, एंड इनामेल्स दूसरा एग्जाम्पल है। आइडियल प्लास्टिक, जिसको बिंघम भी बोल रहे हैं, बार बार हम बिंघम बोल रहे हैं, इसलिए आप कहीं पे बिंघम लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, उसके बाद रियो प्लास्टिक, रियो प्लास्टिक में आ जाता है बेंटोनाइट सॉल्यूशन, और जिप्सम सॉल्यूशन। इन वाटर उसके बाद स्यूडो स्यूडो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक में आ जाता है लिपस्टिक, पेंट, ब्लड, नेल्स पॉलिश,
आप इसका बिहेवियर ना देख सकते हैं, ये होता है कि नहीं एग्जैक्टली सीडोप्लास्टिक। उसके बाद है डायलैटेंट, डायलैटेंट में आ जाता है बटर, हनी, राइस स्टार्च, ये सब आ जाते हैं। एक और बात कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन किसको बोलते हैं, तो न्यूटोनियन का तो बता दिया मैंने, नॉन न्यूटोनियन बता दिया, उसमें भी आता है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट में अभी ना मैंने आपको ब्रीफली बहुत डीपली नहीं बताया हुआ है कि टाइम इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट, बट आप एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या है। टाइम इंडिपेंडेंट में तीन तरह के फ्लूड आते हैं, डायलैटेंट, बिंघम जिसको कि आइडियल प्लास्टिक बोला गया, और स्यूडो, स्यूडो प्लास्टिक। और टाइम डिपेंडेंट में आते हैं थिक्सो, थिक्सोट्रॉपिक, और दूसरा रियोपेक्टिक। ये हो गए सारे फ्लूड्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप लिख सकते हैं। ऐसे तो आपको काफ़ी मटेरियल्स आजकल गूगल पे अवेलेबल हैं, बट होता क्या है कि आप अगर कोई आपको पढ़ा देता है उसके बाद फिर आप किताब पे जाते हो, उसको रिवाइज करते हो या फिर आप फिर से किताब पढ़ते हो तो ज़्यादा समझ में आता है ना, ऐसा होता है ना। पहले के समय पे 10 साल पहले टीचिंग का सिनेरियो कुछ अलग था, लोग अपना कॉन्टेंट भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पढ़ाई का सिस्टम भी बहुत बदल गया है, अब बहुत सारी चीज़ें ना इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बट होता यह है कि अगर कोई बता देता है या कोई पढ़ा देता है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, बस इतना ही है। ओके, गुड लक, थैंक यू।